नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां बागेश्वर धाम सरकार के बाद द्वार की माता पर हो रहे हैं चमत्कार। लोगों का मानना है कि अगर किसी बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा तो हर सोमवार द्वार की माता पर मुफ्त इलाज होगा। वही अगली खबर कानपुर से है, जहां लोगों की आस्था के साथ वहां के दरोगा खिलवाड़ कर रहे हैं। कानपुर के प्रसिद्ध आनंदेश्वर मंदिर परिसर में जूते पहनकर घूमते हुए नजर आए वहां के दरोगा, जिसके बाद खुद बताया जा रहा है कि वहां के आला अधिकारी मंदिर परिसर के बाहर अपने जूते उतार कर आते हैं। वहीं शायद दरोगा जी खुद भूल गए कि ये मंदिर परिसर है। मंदिर परिसर में जूता पहनना भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने जैसा है। इस पूरे मामले का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वही अगली खबर हाथरस से है, जहां मुंबई रेलवे पुलिस में तैनात चेतन ने अपने सीनियर एएसआई और तीन लोगों के ऊपर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। चेतन द्वारा घटना अंजाम दिए जाने की सूचना जब परिजनों को लगी तो चेतन के परिवार वालों के होश उड़ गए। वही जानकारी मिलते ही आरोपी चेतन के घर सदर कोतवाली पुलिस जांच करने पहुंची। वही अगली खबर उन्नाव से आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार तीनों युवकों को डंपर ने बुरी तरह से कुचल कर रख दिया है। वही हादसे के बाद सीओ दीपक सिंह समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वही हादसे से आक्रोशित भीड़ ने रोड को बुरी तरह से जाम कर दिया है। वही अगली खबर एटा से आ रही है, जहां एक गांव में टॉफी दिलाने के बहाने गांव के ही एक 60 वर्षीय से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग ने 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया है। वही रामपुर थाना प्रभारी ने पीड़ित मासूम बच्ची के परिजनों की लिखित तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध FIR पंजीकृत कर लिया है। वही घटना को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी बुजुर्ग मौके से फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिशें दे रही है। खेलने गई थी उसमें छेड़ खाने के लिए, घूमने टापियों के वाहनों से बुलाया। ये कौन व्यक्ति है जिसने इस बच्चे के साथ ब्राह्मण? कितनी उम्र होगी उसकी? 80-75 साल की है। आपको कैसे पता लगा? वो पता लगा गांव के आई थी। वही अगली खबर कानपुर से है, जहां एक छात्र ने दूसरे छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। हालांकि हत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन आरोपी छात्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक दुर्भाग्यजनक घटना है और छात्र को तुरंत हायलट चिकित्सक के लिए भेजा गया था, जहाँ पे छात्र की मृत्यु हो गई है। जिस छात्र ने यह कृत्य किया है उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बाकी सभी चीज़ों को देखा जा रहा है, वहाँ पे जो आई विटनेसेस हैं उनसे बात की जा रही है और इस केस के इन्वेस्टिगेशन को जो है तेजी से करके इसमें जो भी कार्यवाही पुलिस को की जानी चाहिए पुलिस के द्वारा वो हम तत्काल करेंगे। वही अगली खबर गोंडा से है, जहां एक और पूरे देश में और प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है और केंद्र से लेकर प्रदेश तक की सरकारें स्वच्छ भारत मिशन पर खासा ध्यान दे रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने आज एक नई मुहिम को शुरू की है, मेरा गोंडा मेरी शान अभियान के तहत। DM ने स्वच्छता अभियान में शामिल होने के लिए जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, समाज सेवियों और आम जनमानस से इस अभियान में शामिल होने की अपील भी की है। इसी अभियान के क्रम में आज गोंडा लखनऊ मार्ग पर 45 किलोमीटर हाईवे को स्वच्छ किया जाएगा। देखिए, ये अभियान जो है ये मेरा गोंडा मेरी शान, हम लोग एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं जो स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर है और खास तौर पे इसमें आज का जो वृहद अभियान है वो लखनऊ से गोंडा आने वाली सड़क पर पूरे 1000 सफाई मित्रों के माध्यम से इसको संपादित किया जा रहा है।
कुल 73 जोन्स में हमारे अधिकारी इसको पूरा अपना सुपरविजन दे रहे हैं। और मुख्य उद्देश्य निश्चित तौर पे स्वच्छता है, चाहे वो पटरियों की सफाई हो, डंप्स हो, कचरे के ढेर हो, या रोड की भी जो खराब हालत है। वही अगली खबर फारुखाबाद से है, जहां अभी गंगा एक्सप्रेसवे जाने का दर्द कम नहीं हुआ था, तब तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे भी नए डीपीआर में फारुखाबाद से हटा दिया गया है, जो कि अब मैनपुरी जनपद से निकलेगा। वही फारुखाबाद को लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात कही गई थी, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके बाद जनता का सब्र जवाब दे चुका है और नाराज लोगों ने मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही है। मामला ये जनपद के विकास की बात है और ये किसी व्यक्तिगत बात नहीं है, ये नीतिगत बात है और इस पर हमारे जनपद फर्रुखाबाद के वासियों को प्रत्येक को जागरूक होना पड़ेगा। इससे पहले भी हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी गंगा एक्सप्रेस वे, उसमें भी हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि एक साल बाद लिंक रोड बनाया जाएगा, उसका अभी कोई पता नहीं। और ये जो ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस वे है, ये फर्रुखाबाद से होते हुए जाना था, ये भी फर्रुखाबाद से बाहर कर दिया गया, अब ये फर्रुखाबाद ना जाके मैनपुरी से होके गुजरेगा। तो इतने नकारा यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और उनसे नकारा हमारे लोग हैं जो ऐसे नकारा जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। वही अगली खबर झांसी से है, जहाँ मौत हो जाने पर नाचते गाते और बैंड बजाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल अजीबोगरीब रीति रिवाज के साथ शव यात्रा को निकाली जा रही थी, वही शव यात्रा में शामिल लोग रोने के बजाय खुश नजर आ रहे थे। वही अगली खबर हाथरस से है, जहां सड़क के नगला में दो दुकानों में भीषण आग लगने की वजह से व्यापारी का लाखों का नुकसान हो गया। वही फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, वही नुकसान देख व्यापारी की हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई और मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। वही अगली खबर कासगंज से है, जहां श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रद्धालुओं ने गंगा जी में डुबकी लगाई, वही स्नान करने को सुबह 4 बजे से हरपदी गंगा जी में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। परिक्रमा मार्ग के चारों ओर स्नान करने वालों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। बता दें कि तीर्थ नगरी सोरों की हरपदी गंगा जी में हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचे हुए हैं। वही अगली खबर हमीरपुर से है, जहां 2017 में बनी सरकारी कॉलोनी को प्रशासन ने अवैध बताकर इस वक्त गिरा दिया है, जिसके बाद बरसते पानी में सरकारी आवास में प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। वही बताया जा रहा है कि बरसात के मौसम में पूरा का पूरा गरीब परिवार चारों बच्चों के साथ बेघर हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक आगामी 3 तारीख को राज्यपाल के संभावित दौरे को लेकर यह अतिक्रमण अभियान को चलाया जा रहा है। वही अगली खबर रायबरेली से है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मारी, वही कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है। वही अगली खबर ललितपुर से है, जहां जीआरपी से ललितपुर तक एसपी का संभाला कार्यभार चलाया जा रहा है। वही बताया जा रहा है कि इस दौरान एसपी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई सवालों के जवाब भी दिए हैं। और जो भी हमारे कार्यक्रम है उन सबको हम लोग 100% जो है लागू करने का प्रयास जो है वो हम करेंगे, साथ ही अपराध नियंत्रण के लिए और अपराध नियंत्रण के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण जो है विवेचना जो है संपादित हो और उसको ट्रायल में जो है हम लोग सजा दिलवा पाए, इसके लिए डीजीपी महोदय द्वारा जो है ऑपरेशन कन्विक्शन जो है वो चलाया जा रहा है, इसको भी हम लोग शुरू से ही उस पर ध्यान देंगे और उस पर काम करेंगे। साथ ही जो महिला सुरक्षा है और बच्चों से संबंधित जितने भी अपराध उसको संवेदनशीलता के साथ जो है काम करते हुए उसमें हम लोग जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वही अगली खबर गाजीपुर से है, जहां जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने विकास खंड और गौ संरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी और ठेकेदार द्वारा दुयम दर्जे का ईंट प्रयोग किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को ठेकेदार के विरुद्ध तहरीर देकर FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया है। वही अगली खबर पौड़ी से है, जहां 10वीं में पढ़ने वाले एक छात्र को गोली लगने से घायल हो गया, जिसको आनन फानन में छात्र के परिजन जिला अस्पताल पौड़ी लाए। वही छात्र की स्थिति काफी गंभीर होने पर अब छात्र को एम्स ऋषिकेश भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि छात्र स्कूल से घर लौटा ही था और खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने गया, तभी कुछ देर बाद छात्र के कमरे से गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो छात्र खून से लथपथ पड़ा मिला। मुझे ये सुनने में आया, ये चौकटा का एक बालक था और घर पे उन्होंने खुद ही अपने आप शूट किया, और उसको जब इधर पहुंचा हॉस्पिटल, उनका BP वगैरह काफ़ी कम था, सो हमने उसको ब्लड वगैरह दिया, ब्लड चढ़ाया, और जिस जगह उन्होंने शूटिंग किया उसको हमने ड्रेसिंग लगवा के अभी तुरंत हमने एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा। वही अगली खबर काशीपुर से है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को बाघों की राजधानी ऐसे ही नहीं कहा जाता। दरअसल देश में 53 टाइगर रिजर्व हैं और कॉर्बेट पार्क में 260 बाघ रिकॉर्ड हुए हैं। बाघों के बेहतर संरक्षण का नतीजा है कि यहां बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। NTCA की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इस बार 260 बाघ रिकॉर्ड हुए हैं। पिछली गणना में बाघों की संख्या 231 थी, हालांकि अब 319 बाघ रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन इन बाघों का रामनगर तराई वन प्रभाग के DFO प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि 2018 आने के बाद अब 2023 में आंकड़े आए हैं। कार्बेट पार्क निर्देशक धीरज पांडे ने बताया कि बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और इस बार बाघ 260 चिन्हित हुए हैं। वही अगली खबर उन्नाव से है, जहां एक समुदाय के दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। दरअसल करबला में एक कार्यक्रम के दौरान जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट में 3 लोग घायल हो गए हैं। वही पीड़ित पक्ष ने थाने में भू माफिया सहित गुर्गों के नामजद तहरीर दायर की है। वही अगली खबर लखनऊ से है, जहां कमर्शियल एरिया में आग लगने से हड़कंप मच गया। वही आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, समय रहते दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगी थी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।